आयुर्वेद कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को शहर में निकाली रैली। विवेकानंद पार्क में एकत्र हो जमकर की नारेबाजी। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में पदस्थ जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर शनिवार से काम का बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते आयुर्वेद अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। आयुर्वेद जूनियर डॉक्टरों ने पिछले 4 दिनों से सांकेतिक हड़ताल पर थे, लेकिन उनकी मांगों का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया, जिसको देखते हुए इन लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। शनिवार को जहां अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे रहे, वहीं रविवार को अपनी मांगों को लेकर हाथों में तख्तियां लिए शहर में रैली निकाली और विवेकानंद पार्क में एकत्रित होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांगों में चिकित्सा अधिकारियों का लंबे समय से रिक्त पदों में भर्ती की भी मांग है। इनका कहना है कि 2013 से इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है। हम आपके न्यूज़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जो कि पूरे देश में विकास की बात हमारे माननीय मोदी जी भी करते हैं और शिवराज जी भी करते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि आयुर्वेद हमारा अपना है, हमारा स्वाभिमान है ना, जिसका विकास हो और जन जन तक आयुर्वेद पहुँचे। पर हमें ऐसी कुछ प्रतिक्रिया तो दिख नहीं रही है। हम पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन पर पूरे प्रदेश के 6 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के डॉक्टर और छात्र हड़ताल पर हैं, फिर भी शासन हमारी अनदेखी कर रहा है। हम प्रदेश में पूरे 6 कॉलेज है ना, 6 दिन से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एवं सरकार द्वारा हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हमारी सरकार से यही मांगे कि हमारी मांगों पर हमारी मांगे माने। तो हमारी मांगे हैं, सर्वप्रथम हमारी मांग है कि है ना, हम जो पीजी स्कॉलर्स हैं, आयुर्वेद पीजी स्कॉलर्स, हाउस फिजिशियन एवं इंटर्न, इनकी स्टाइफंड में बढ़ोतरी की जाए, जो कि बहुत ही कम है। और दूसरी मांग हमारी यह है कि 2013 के बाद से आयुर्वेद में कोई भी भर्तियां नहीं निकली है, जो कि निकाली जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी मांग हमारी यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि है ना, जो नए औषधालय खुलवाए जाएंगे आयुर्वेद के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी खुलवाने की कृपा करें।